दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम लोग चले आए हैं मकर संक्रांति के दिन घूमने के लिए। आए हैं गोविंदपुर के गांव में। ये देखिए बिहार का गांव है, तो आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये देखिए चुटकू को बदमाशी कर रहा है, पूरा एकदम मस्ती में है। चुटकू के मम्मी एकदम शॉट बनाने में व्यस्त है। आप लोग का कैसा चल रहा है मकर संक्रांति? दही चूड़ा काक खा के हम लोग टसमस हो गए हैं, एकदम हिल हिल नहीं पा रहे हैं। खूब नींद आ रहा था इसलिए सोचे कि थोड़ा घूम के आ जाए, आप लोग के साथ थोड़ा बातचीत हो जाए, बस यही है। आप लोग मकर संक्रांति में कौन सा कौन क्या क्या खाता है? हम लोग में तो दही चूड़ा चलता है पूरा एकदम सटासट। आप लोग क्या खाते हैं मकर संक्रांति में? गुड्डी तो उड़ाते थे बचपन में पूरा एकदम जबरदस्त, कोई भी गुड्डी के साथ मेरा नहीं लड़ता था, लेकिन अब थोड़ा हो गया है और धीरे धीरे उम्र गुजर रहा है। ये देखिए चुटकू को, ये भी पूरा एकदम शैतानी का मूड में है। ठीक है, क्या मज़ेदार जगह है दोस्तों, एकदम जबरदस्त है। ये देखिए ये भी मिल गया, कहाँ से था इधर में, ये गांव का गौैया है, घास घर में आई थी, घास घर के बैठी है। यही देखिए चुटकू टकला का मस्ती, ये तो हमेशा मस्ती में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, वही बात है, सब कुछ चल रहा है, बंदस्त है, आप लोग के साथ में है, यही सबसे बड़ा चीज है। और क्या है, और तो कोई चीज नहीं है दोस्तों। तो ये चुटकू तो बहुत मस्ती के मूड में है, घर में रहता है ना, तो बाहर निकला है तो देखिए क्या हाथ में काली माली सब लगा लिया है, कड़िया उड़िया लगा लिया हाथ में। ये देखिए घर जाते साबुन से धोना होगा। कुछ बोलना चाहते हो? बोलो, मुझे बोलो, गांव में आके कैसा लगा चुटको? बोलो, ये कुछ बोलना नहीं चाह रहा है आप लोग से दोस्तों। ये अभी खेलने में खूब ही मस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, और कुछ इसको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ खेलना ही अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई 13-22, बस इसका यही है कहानी। ये देख रहा है किधर भाग रहा है, कैसे कैसे भाग रहा है। ए, इधर आओ इधर आओ इधर आ जाओ। नहीं देखे, यही बात है दोस्तों, क्या है और क्या। आज भी काम धंधा चौपट रहता है इसलिए आज थोड़ा रह गए कि गांव में थोड़ा आके थोड़ा दिखाए आप लोग को अपना डेली ब्लॉग। उधर में रहते थे उधर में भी कुछ ब्लॉग बनता, इधर में है तो थोड़ा इधर में भी ब्लॉग बना ले रहे हैं, थोड़ा आप लोग को भी इंटरटेंट हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे, बस यही है और क्या है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। झंड तो आप लोग होने नहीं दीजिएगा, घमंड तो रहेगा ही, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार है। ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचे, चाहे दुनिया जलते रहे अपनी गाड़ी चलते रहे। है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में आप लोग के साथ। आपका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, बस और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।